Hello students, in your previous class you learned about the software, okay, concept of software आप लोग पढ़े थे. So उसमें आप application software, system software, utility software के बारे में जाने. तो without the system software you cannot run your system, okay. जब आप अपना PC या laptop use करते हो या फिर अपना mobile phone भी use करते हो, so the first thing which is loaded into your memory, that is your operating system, okay. And this operating system is your, which comes under your system software. Because of this system software, you can interact with your system, okay. So जो भी आपका computer है, that is both combinedly आपका software as well as आपका hardware कॉम्पोनेंट से चलता है. ओके, सो आपका जो हार्डवेयर डिवाइसेस है दैट कैनॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज, इट ओनली अंडरस्टैंड द मशीन कोड. ओके, सो हियर जो आपका मशीन कोड होता है या फिर उसको जो समझ में आता है दैट इज योर 0 and 1. बट एज एन यूजर यू इंटरैक्ट विथ योर सिस्टम. ओके, सो आप जब इंटरेक्ट करते हो तो हम लोग 0 and 1 तो नहीं लिखते हैं. कुछ भी कमांड लिखना है, कुछ सर्च करना है तो वो तो नहीं करते हैं. सो फॉर दैट ये जो आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योर ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है, इट्स एन मीडिएटरी और आपका एक इंटरफेस है जो कि आपको आपका सिस्टम के साथ वर्क करने के लिए हेल्प करता है. नॉट ओनली दैट एंड इसका बहुत सारा फीचर्स भी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, एज वेल एज इट विदाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट वर्क एट ऑल. ओके, सो ये आपका प्रोसेस हैंडलिंग करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारा काम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है. ओके, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं दैट शुड बी स्टोर इन सम एरिया. ओके, वो कुछ कहीं पे स्टोर होके रहता है तो वो उसको भी एलोकेट करता है कि कौन सा प्रोसेस को या कौन सा काम को किस लोकेशन में रखना है. एज यू नो दैट इन मेमोरी हैज सम एड्रेस. ओके, इट स्टोर्स इन सम एड्रेस स्पेस. सब वो आपका एरे ऑफ मेमोरी जो बोलते हो, तो हर लोकेशन का कुछ ना कुछ आपका एड्रेस होता है. दैट शुड बी बाइट और आपका किलो बाइट और MB या GB आप पढ़े थे यूनिट. ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे द बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स क्या है, वो कैसे क्या क्या चीज में आपको हेल्प करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. सो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वी कैन डिफाइन इट दैट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर एंड responsible for the execution of all the processes, resource allocation, आपका जो central processing unit management, आपका file management and many other tasks. जैसे कि आपका process, आपका जैसे suppose मान लो कि n number of काम है आपके पास. So process 1, process 2, process 3 and process n. okay, तो वो सारा process को आपको कौन सा process को पहले देना है, okay, या कौन सा process को बाद में देना है, किसका priority ज़्यादा है, किसका priority कम है, उस हिसाब से किसको मुझे CPU देना है, जो भी आपका process होता है यहाँ पे, तो वो पहले आपका जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन होने से पहले आपका मेन मेमोरी में आता है. ओके, विदाउट कमिंग टू द मेन मेमोरी आपका कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं होता है. एंड यू नो दैट मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑल्सो. सो जो भी काम होता है फर्स्ट आपको वो प्रोसेस को मेन मेमोरी में वो आपका कंप्यूटर रखता है. ओके, सो वही चीज दैट आप उसको वो CPU एलोकेट करता है. मेन मेमोरी में आता है आपका प्रोसेस, देन उसको CPU यूटिलाइज किया, मतलब प्रोवाइड किया जाएगा.
तो अगर वो प्रोसेस सीपीयू उसको मिल गया तो वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका क्या है जो भी काम है वो प्रोसेसिंग होगा, देन आपको आउटपुट होगा. सो यहाँ पे अगर एक प्रोसेस को आप सीपीयू दे रहे हो तो कब तक वो सीपीयू को होल्ड करके रखेगा, या फिर वो कब तक वो सीपीयू के जरिए अपना काम पूरा करेगा. तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रायोरिटी बेसिस में होता है कि आपका अगर P1, P2, P3 प्रोसेस है, कोई भी काम अगर है कि मुझे पहले पानी लाना है या मुझे पहले पढ़ाई करना है या फिर मुझे रसोई करना है, ये सारा तो हम लोग उसमें देखेंगे कि कौन सा पहला. ऑब्वियसली इट्स करेक्ट दैट आपका अभी पढ़ने आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है, बट आप जब घर पर रहते हो इट डिपेंड्स दैट हाउ डू यू शेड्यूल योर टास्क. ओके, सो उसमें भी किस प्रोसेस को पहले काम करना है, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, वो भी आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. और जब एक प्रोसेस को आपका सीपीयू मतलब एलोकेट हो गया है तो इट मस्ट यूटिलाइज दैट सीपीयू या प्रोसेसर, देन इट शुड बी रिलीज. जो प्रोसेस वो सीपीयू को यूज़ कर रहा है उसको रिलीज करेगा ताकि दूसरा जो प्रोसेस है वो लोग उसको एक्सेस कर सके. सो ये काम भी आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. देन आपका फाइल मैनेजमेंट, कि आपका फाइल आप क्रिएट किए आप फोल्डर में रखिए वो कौन सा डायरेक्टरी में रहेगा, कौन सा लोकेशन में रहेगा, वो सारा चीज भी वो मैनेज करता है. मेमोरी मैनेजमेंट करता है, कौन सा लोकेशन में रहेगा. ओके, सो वो सारा चीज वो मैनेज करता है. एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग इज योर रिसोर्स, कि आप प्रिंटर लगाएं वो भी एक रिसोर्स है. ओके, या और कोई अदर डिवाइसेस लगाए तो वो भी एक रिसोर्स है. ओके, सो ये सारा चीज आपका एक एक रिसोर्स है, तो वो रिसोर्स सबको कैसे मैनेज करना है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. ओके, सो द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट इन विच अ यूजर कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स इन कन्वीनियंट वे एज वेल एज सम एफिशिएंट मैनर. ओके, नेक्स्ट कम टू योर स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सो अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आपका हार्डवेयर ऑब्वियसली, दैट्स देन कम टू योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग इन योर पीसी, हो सकता है आप विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसका डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, आपका 7, 8, 8.1 एंड आपका आता है 10. ओके, सो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. एप्पल का खुद का जो मैक ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे है, एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है. आपका मोबाइल में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है. ओके, देन आपका जो इंटरनेट ब्राउजर जो है, एंड कंप्यूटर गेम्स, डेटाबेसेस, दैट्स कम्स योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग जो पढ़े थे, जो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सो हाउ दे विल कनेक्ट विथ और हाउ दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर. ओके, सो हियर देखो यहाँ पे आपका जो यूजर्स हैं, ओके, यूजर्स एंड आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, दैट कम्स इन टू योर यूजर एंड. ओके, सो यूजर इंटरैक्ट विद द सिस्टम थ्रू सम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम तब भी काम करेगा जबकि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका वर्क करेगा. जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्क नहीं करेगा या फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वर्क नहीं करेगा तो वी कैनॉट यू कैनॉट इंटरैक्ट विथ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो दिस अदर दिस यूजर कैन इंटरैक्ट विथ योर आप जो हार्डवेयर को जो कमांड भेजोगे, ओके, बाय द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. देन आपका यूटिलिटीज आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो दिस कम्स इन टू योर सिस्टम के अंडर आता है. ओके, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोल रहे हैं. देन आपका जो कि आपका हार्डवेयर को समझ में आता है, दैट इज योर मशीन लैंग्वेज, माइक्रो प्रोग्रामिंग, आपका सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दैट कम्स योर हार्डवेयर.
जैसे कि आपका माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, या फिर प्रिंटर हुआ, ओके, एंड स्कैनर हुआ. सो ये सारा आपका डिवाइसेस है. टू योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो फर्स्ट वन इज योर कन्वीनियंसी, दैट इट मेक्स द कंप्यूटर मोर सुइटेबल टू यूज, हाउ यू कैन यूज द कंप्यूटर. ओके, देन कम लेट कम टू योर एफिशिएंसी. सो इट प्रोवाइड्स द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज विथ योर एफिशिएंसी एंड इजी टू यूज द फॉर्मेट. देन कम टू योर एबिलिटी टू डेवलप, दैट इट शुड बी built in such a way that it permits the efficient development, testing and installation of your new system functions without interfering with services. Okay, so ye aapka objective hai. Then come to your functions of operating system. Obviously the first one is your security, that the operating system uses the password protection to protect the user data and similar other techniques, and it also prevents the unauthorized access to programs and users data. मतलब वो क्या, वो security provide कर रहा है. तो आप अपना system को, अगर आपका PC आप use कर रहे हो, तो you should give the यूज़र एंड पासवर्ड आप देते हो आपका सिस्टम, सो दैट नो वन कैन एक्सेस योर डाटा. ओके, आपका फ़ोन हो या फिर आपका सिस्टम हो. ओके, तो वो एक प्रोटेक्शन टेक्निक है जो कि आपको या फिर आपका डाटा को या फिर आपका प्रोग्राम को सम अनऑथराइज्ड यूजर्स का एक्सेस करने से वो आपको बचाता है. ओके, then control over system's performance, that's the monitor overall system health to help improve performance. So records the response time between service request and system response to have a complete view of the system health. मतलब आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं. अगर आप एक अपना सिस्टम को एक कमांड दिए हो कि मुझे सिर्फ एडिशन का रिजल्ट देखना है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो सारा चीज को वो भी कंट्रोल करता है. सो दिस कैन हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीडेड टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम्स. ओके, आपका फीचर्स रहेगा आपका सिस्टम में हेल्प में कि या फिर आप जो भी प्रॉब्लम नेटवर्क इश्यूज हुआ या फिर और कुछ आपका जो डेस्कटॉप में कुछ कुछ आइकन नहीं दिखा रहा है, ये सारा चीज के लिए आपको सम फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करता है. प्लस आप देखे होगे कि जो आप पीसी यूज़ करते हो तो आप देखे होगे कंट्रोल पैनल रहता है, उसमें वेरियस फीचर्स रहता है कि आपको कुछ क्या चीज़ रखना है क्या चीज़ नहीं रखना है, आपको डेस्कटॉप को कैसे अरेंज कर कर रखना है. ओके, या फिर नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें जाके आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, कुछ डिवाइस इंस्टॉल करना है तो आप कैसे डिवाइस ट्रांसफर इंस्टॉल करोगे एंड कनेक्ट दैट डिवाइस टू योर सिस्टम, ये सारा चीज को वो क्या वो हेल्प करता है. ओके, सो वी कैन ट्रबल शूट दैट प्रॉब्लम. सो मतलब क्या है, हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. वो कुछ आप अगर ट्रबल शूट में क्लिक करोगे तो वो आपको सम क्या आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा कि आपको इसके अनुसार करना है. ओके, सो दैट यू कैन रेक्टिफाई योर एरर एंड यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स. ओके, सो जॉब अकाउंटिंग. सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स गिव्स द ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज बाय द वेरियस टास्क एंड यूजर्स. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू ट्रैक द रिसोर्स यूसेज फॉर अ पर्टिकुलर यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर्स. देन कम टू योर एरर डिटेक्टिंग एंड एड्स. सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द सिस्टम टू डिटेक्ट एनी टाइप्स ऑफ एरर. अगर आपका कुछ ऑकर हो जाता है तो वो आपको एरर डिटेक्टिंग शो करेगा एंड अवॉइड द माल फंक्शनिंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. ओके, जैसे कि सपोज मान लो कि आपका बैटरी वर्क नहीं कर रहा है तो आप जब सिस्टम ऑन करोगे तो वो आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आप
आपका बैटरी रिप्लेस करने का ज़रूरत है, या फिर बूटिंग का ज़रूरत है, या फिर बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। ओके, देन कम टू, जैसे कि आप नॉर्मली मान लो कि आप एक वर्ड फाइल क्रिएट किए हो, आप कोई डॉक्यूमेंट रखे हो, आप एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हो किए हो, न्यू में जाके फोल्डर ऑप्शन क्रिएट करोगे तो आप राइट क्लिक करके न्यू देन फोल्डर ऑप्शन क्रिएट करोगे तो फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। सो अगर एक फोल्डर में आप डॉक्यूमेंट रखे हो जिसका नाम है ए, ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर आप एक डॉक्यूमेंट रख रहे हो उसी नाम पे, तो आपको वो एक मैसेज दिखाएगा कि वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, मतलब ए नाम का एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है, सो कैन यू, आप रिप्लेस करना चाहते हो कि, सो इसी तरह का वो कुछ कुछ मैसेज वो दिखाता है। फॉर दैट रीज़न एंड बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटीज यू कैन रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम एंड ईजीली डू योर वर्क within a second, okay. Then come to your memory management. जैसे मैं बोली कि आपका जो memory management है, so the operating system manage your primary memory, जो कि आपका main memory है, and the main memory is of which is made up of a large of bytes of words, where each bytes or word is assigned a certain एड्रेस आपको असाइन किया जाता है। सो मेन मेमोरी आपका फास्ट स्टोरेज है एंड इट कैन एक्सेस। सो एक चीज याद रखना कि आपका जो मेन मेमोरी है दैट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय योर सीपीयू। ओके, सो मैं जो बोली कि आपका जो प्रोसेस आता है, कोई भी आप टास्क दे हो आपका कंप्यूटर को, सो आपका जो प्रोसेस आता है तो वो पहले आपका मेन मेमोरी में लोड होता है। ओके, सो मेन मेमोरी में लोड होता है, देन उसको सीपीयू वो डिसाइड किया जाएगा। देर आर डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आर देयर, जो FCFS के जो फर्स्ट आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, वैसे कुछ है, बहुत सारा है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग है। सो उसी हिसाब से उसको सीपीयू यूटिलाइज किया जाएगा। सो द फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट शुड बी फर्स्ट लोडेड इनटू योर मेन मेमोरी एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द मेन मेमोरी मैनेजमेंट। सो वो क्या क्या करता है, इट कीप्स द ट्रैक्स ऑफ योर प्राइमरी मेमोरी दैट विच बाइट्स ऑफ मेमोरी आर यूज बाय विच यूजर प्रोग्राम, देन आपका the memory addresses have been allocated and the memory addresses of memory that has not yet been used, वो सारा चीज़। so in multi programming environment में क्या होता है ना, the operating system decides the order in which the process are granted access to the memory and for how long time वो memory में रहेगा। so it allocates the memory to a process when the process requests it and deallocate the memory after उसका काम खत्म होने के बाद। सो द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस हैज टर्मिनेटेड और इज परफॉर्मिंग एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सो वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन डिटेल्स इन योर मेमोरी, आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट का एक एक चैप्टर है, प्रोसेस मैनेजमेंट का, फाइल मैनेजमेंट का, डिवाइस मैनेजमेंट का, सब एक वो एक एक चैप्टर है। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। सो प्रोसेस मैनेजमेंट में ही ऐसे नहीं कि आपका पीसी एक ही टाइम में एक काम कर रहा है, आपका पीसी एक ही टाइम में बहुत सारा काम करता है। जैसे मैं अभी वर्ड डॉक्यूमेंट खोली हूँ, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, मैं चाहे तो अदर टास्क भी कर सकती हूँ। ओके, सो इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स द ऑर्डर इन विच प्रोसेसेस हैव एक्सेस टू द प्रोसेसर एंड हाउ मच टाइम it takes to execute that program or how much processing time each process has. So this function of operating system is called as your process scheduling. So process scheduling mein aapka yahan pe aapka operating system performs the following activities for your processor management ki kaun sa process ko kab प्रोसेसर एलोकेट होगा, मतलब सीपीयू एलोकेट होगा, और कितना टाइम के लिए वो सीपीयू एक प्रोसेस को एलोकेट होगा। ओके, सो कीप्स द ट्रैक्स ऑफ द स्टेटस ऑफ द प्रोसेसेस एंड द प्रोसेस विच परफॉर्म्स दिस टास्क इज नोन एज योर ट्रैफिक कंट्रोलर, कि
एक प्रोसेस वो को अगर सीपीयू मिला है, वो अगर अपना काम कर रहा है तो नेक्स्ट प्रोसेस हैज़ टू वेट। ओके, कभी कभी ऐसे होगा, जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रही थी कि एक अगर सेकंड प्रोसेस का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो अगर फर्स्ट प्रोसेस हाफ अपना काम खार के ख़त्म कर दिया है तो वो क्या करेगा ना, वो जो फर्स्ट प्रोसेस का काम है उतना तक हॉल्ट करेगा, मतलब वो भी वो टाइम रखेगा कितना टाइम तक वो होल्ड में रहेगा वो फर्स्ट प्रोसेस, तो सेकंड प्रोसेस आएगा। ओके, सेकंड प्रोसेस आएगा। सो एलोकेट्स द सीपीयू दैट इज प्रोसेसर टू अ प्रोसेस एंड डी एलोकेट्स द प्रोसेसर व्हेन अ प्रोसेस इज नो मोर रिक्वायर्ड। ओके, देन आपका डिवाइस एंड मैनेजमेंट आता है कि आपका जो भी डिवाइसेस है, वेदर इट इज इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द डिवाइस कम्युनिकेशन वाया द रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स एंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द डिवाइस मैनेजमेंट। सो वो क्या किया है, इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल द डिवाइस दैट कनेक्ट टू योर सिस्टम, देन डिजाइन्स द प्रोग्राम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिवाइस नॉन एज योर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। सो हियर आपका डिवाइस में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस है, आपका डेडिकेटेड डिवाइस है, आपका स्वैट डिवाइस है एंड आपका वर्चुअल डिवाइसेस होता है। ओके, डेडिकेटेड डिवाइस इज एलोकेट टू सम कोई डेडिकेटेड प्रॉपर वर्क के लिए, एक ही वर्क के लिए वो एलोकेट होगा कि एट ए टाइम उस समय के लिए वो डिवाइस सिर्फ एक ही काम के लिए वो यूज होगा। ओके, अगर वो काम खत्म हो गया या फिर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, देन वो डिवाइस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए या फिर दूसरा काम के लिए वो यूज होगा वो डिवाइस। ओके, सो सेट डिवाइस में नंबर ऑफ वर्क कैन एक्सेस दैट सेम डिवाइस। देन आपका वर्चुअल डिवाइस होता है जहाँ पे कि आपका कंबाइनली आपका जो डेडिकेटेड डिवाइस है एंड आपका शेयर डिवाइस है वो मिलके वो वर्क करते हैं। ओके, देन आपका यहाँ पे आता है कि इट एलोकेट्स द डिवाइस इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे एंड डी एलोकेट्स द डिवाइसेस व्हेन दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ओके, देन कम टू योर फाइल मैनेजमेंट दैट अ फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इंटू अ डिरेक्टरीज फॉर एफिशियंट और ईजी नेविगेशन एंड यूसेज एंड दीज डिरेक्टरीज मे कंटेन्स अदर डिरेक्टरीज एंड अदर फाइल्स। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैरीज आउट द फॉलोइंग फाइल्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज दैट द फर्स्ट वन इज योर इट रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन दैट मीन्स इट जो भी आपका जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी स्टोर्ड एंड यूजर एक्सेस द सेटिंग एंड स्टेटस ऑफ एवरी फाइल एंड मेनी मोर। सो दीज फैसिलिटीज आर कलेक्टिवली नोन एज योर फाइल सिस्टम्स। देन कम टू योर द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्टन सर्विसेज टू द यूजर्स विच कैन बी लिस्टेड इन योर फॉलोइंग मैनर। जैसे कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, हैंडलिंग ऑफ योर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, मैनिपुलेशन ऑफ योर फाइल सिस्टम, एरर डिटेक्टिंग एंड हैंडलिंग जो हम लोग पहले डिस्कस किए, रिसोर्स एलोकेशन हाउ इट कैन यूज द डिफरेंट रिसोर्सेज कि प्रिंटर को यूज़ कैसे करना है या फिर अदर डिवाइसेस को यूज़ कैसे करना है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट कम टू योर एप्लीकेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे एरिया में, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह पे आपका यूज होता है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अकाउंटेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल्स एंड योर डायरेक्टरीज जो भी है। Then come to it manage all the processes of deletion, suspension and resumption and synchronization. So आपका जो process में पढ़ोगे how एक new process create होता है and वो कैसे process होता है, ready run state, then आपका ready state, sorry new states, then आपका ready states, then वो कैसे execute होता है आपका process। ओके, कि आपको इन द मिडिल ऑफ द टाइम आपको इनपुट और आउट इनपुट डिवाइस का कुछ ज़रूरत हुआ तो आप सीपीयू सॉरी आपका कीबोर्ड से अगर कुछ डाटा एंट्री करना है तो उसके लिए भी है, वो कुछ टाइम के लिए वो इनपुट ऑपरेशन के लिए काम करेगा, देन वो वर्क वो प्रोसेस अगेन रिज्यूम होगा एंड सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गाना मैं बजा रही हूँ,
और मैं स्टॉप कर दी हूँ, तो अगर मैं अगेन स्टार्ट करूँगी तो वो क्या अगेन उसी पॉइंट से वो स्टार्ट होगा, है कि ना, तो रिज्यूम हुआ कि नहीं। ओके, जैसे हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, वेदर इट इज योर यूट्यूब हो या फिर आप प्राइम हो, तो प्राइम वीडियोस में हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, मूवी देख रहे हैं और सपोज हम लोग को काम कुछ काम आ गया, तो मैं वहाँ पे बंद कर दी मूवी को, तो नेक्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो क्या होता है, आपको रिज्यूम करने के लिए बोलता है, मतलब उसी पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। ओके, सो वो सारा फैसिलिटीज, देन एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी स्पेस बाय एलोकेटिंग एंड डी एलोकेशन ऑफ योर मेमोरी, देन एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज नेम्स एंड प्रोटेक्ट्स द एग्जिस्टिंग फाइल्स। So further, an operating system manages all the components and devices of the computer system, that is a modem, printers, plotters, etc. So if any device fails, the operating system detects and it notify you the error message. Okay. In case that an operating system protects from the destruction as well as the from unauthorized use, an operating system facilitates the interface to the user and the हार्डवेयर। ओके, सो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, जैसे कि आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, फॉर टूडे दिस मच।